गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो फिफ्थ लेसन चल रहा है एडजेक्टिव, वो हमने रीड कर लिया था। उसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ तीनों क्वेश्चंस करेंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स दे आर। ऑल्सो टेल द नाउन टू विच दे बिलोंग। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमें बताना है कि अंडरलाइन करनी एडजेक्टिव को, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है और वो एडजेक्टिव किस नाउन से बिलोंग करता है, हमें उस नाउन को यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट वाला आपके लिए कर रखा है, या देखिए एडजेक्टिव अलग कर रखा है, एडजेक्टिव बता रखा है कौन सा एडजेक्टिव है, उसको हमें अंडरलाइन करना है यहाँ पर, और नाउन लिखना है कि नाउन किस नाउन को वो डिफाइन कर रहा है। फर्स्ट आपके लिए किया हुआ है, अ कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। ठंडी हवा चल रही है तो क्या चल रही है, ठंडी क्या है, हवा है, तो हवा के बारे में नाउन, एक नाउन हो गए हमारा, तो यहाँ पर नाउन के नीचे हम विंड लिखेंगे। और हवा के बारे में क्या विशेषता बता रहा है, कौन सी हवा चल रही है, ठंडी, तो ठंडी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कोल्ड को हम अंडरलाइन करेंगे और कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वैसे सेकंड वाला करेंगे, दीज एग्स आर ब्रोकन। अब यहाँ पर एग्स की बात हो रही है तो नाउन क्या हो गया हमारा, एग्स हो गया, है ना। और कौन सा है नाउन, क्योंकि क्या डिस्क्राइब कर रहा है, दीज, कौन से वाले, दीज, तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। थर्ड में आता है, ईच स्टूडेंट वॉज अलाउड टू बोरो बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब हर एक स्टूडेंट को अलाउ किया गया है, तो ईच हमारा हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, तो हम ईच को अंडरलाइन करेंगे। और कौन सा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और नाउन हो गया स्टूडेंट, तो नाउन की जगह पे स्टूडेंट लिखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ, एवरी वर्ड इन दिस आर्टिकल इज मीनिंगफुल। अब हर एक वर्ड, तो एवरी, ईच, एवरी, ये सब चीज़ें हमारी किस में आती है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर, तो हम एवरी पे अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और हमारा नाउन क्या हो गया, वर्ड। वैसे फिफ्थ है, हुज इरेजर इज लाइंग ऑन द फ्लोर। अब ये क्वेश्चन वाला आता है, तो क्वेश्चन वाले में क्या होता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो फर्स्ट जिससे क्वेश्चन बन रहा है, हुज पे हम अंडरलाइन करेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लिखेंगे एडजेक्टिव की जगह पे, और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को, इरेजर को, तो यहाँ पर नाउन की जगह पे हम इरेजर लिखेंगे। सिक्स्थ है, हर कॉपी इज विद द टीचर। तो किसकी कॉपी है ये, उसकी, तो बात कॉपी की हो रही है, तो कॉपी हमारा नाउन हो जाएगा। हर एक एडजेक्टिव है जिसपे हम अंडरलाइन करेंगे, तो हर क्या हो गया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखेंगे, हर पे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर नाउन की जगह कॉपी लिखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपका, द बॉय इज एक्सट्रीमली मैनर्ड, दैट बॉय इज एक्सट्रीमली मैनर्ड। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, दैट बॉय इज मैनर्ड, मैनर्स है उसमें, तो अब कितने हैं, तो वो एक्सट्रीमली, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली पे अंडरलाइन करेंगे। एक्सट्रीमली क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, बॉय की, तो ये बॉय लिखेंगे। फिर आता है, इट इज़ पॉसिबल टू बोरो योर ब्लूटूथ स्पीकर। तो अब यहाँ पर योर आ रहा है, योर किस में आएगा हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में, और ये किसके बारे में बता रहा है, ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, तो नाउन हमारा क्या हो गया, ब्लूटूथ स्पीकर। फिर आ रहा है नाइन्थ में, विच गर्ल इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ सिंड्रेला। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मीन्स इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम विच जो फर्स्ट आ रहा है, विच, डब्ल्यू एच, तो यहाँ पर विच को अंडरलाइन करेंगे, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और किसकी बात हो रही है, नाउन क्या हो गया, गर्ल। टेंथ है, सेवरल चिल्ड्रंस टुक पार्ट इन दैट रेस। तो कितने स्टूडेंट ने लिया था, कितने चिल्ड्रंस ने लिया था, तो चिल्ड्रन हमारा नाउन हो गया, और सेवरल हमें हम अंडरलाइन करेंगे जो आ गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द टाइप ऑफ एडजेक्टिव मेंशन्ड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको जो एडजेक्टिव के टाइप दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ब्लैंक फिल करने हैं। प्लीज़ रिटर्न डैश डायरी टू मी। अब यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ करना है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव में दीज, दैट, दोज आते हैं, तो डायरी एक आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम दिस लिखेंगे। सेकेंड है, डैश टेबल हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर द गेस्ट। क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इंट्रोगेटिव, तो हम पूछेंगे कौन सी टेबल, इसलिए लिखेंगे विच टेबल, तो सेकंड में विच आ गया। थर्ड है, डैश स्कूल इज़ वेरी फार फ्रॉम द सिटी पार्क। पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो किसका स्कूल, माय, माय हो गया हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंदर, इसलिए हम यहाँ पर थर्ड में माय लिखेंगे। फोर्थ आ रहा है, डू यू हैव अ डैश बॉक्स, चाहिए क्वेश्चन मार्क है, पर यहाँ पर क्वालिटी बता रखी है कि हमें क्वालिटी बतानी है, तो इसकी बॉक्स की हम क्वालिटी बिग भी बता सकते हैं, तो डू यू हैव अ बिग बॉक्स। फिर फिफ्थ है,
यू विल गेट योर पे ऑन द डैश डे ऑफ द मंथ. अब नंबर बता रखा है तो नंबर एडजेक्टिव के अंदर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लास्ट कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लास्ट लिखा है. सिक्स्थ है आई सम हाउ मैनेज टू एंटर द डैश ट्रेन. मैंने कैसे भी करके मैनेज किया डैश ट्रेन में जाने का. कौन सी ट्रेन में, यहाँ पर ईडी लगाकर हमें वर्ब लिखना है. तो वर्ब हो गया हमारा क्राउड, ठीक है, भीड़ हो गई यहाँ पर. क्राउड कौन सी ट्रेन में, क्राउडेड ट्रेन में. फिर आ रहा है आई हैव टू गेट अ न्यू डैश बॉटल फॉर माई स्कूल. नाउन लिखना है तो वाटर बॉटल. एट्थ है डैश ऐसे वॉज द बेस्ट इन द कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंट्रोगेटिव, तो हुज ऐसे, किसका ऐसे बेस्ट था कॉम्पिटिशन में. तो फिफ्थ और सिक्स एक्सरसाइज. फिर अब इसका नाइन्थ वाला देखिए. द बोटमैन क्लियरली सॉ द डैश स्ट्रोम. स्ट्रोम बोटमैन ने स्ट्रोम आते हुए देखा था. तो आई एन जी लगाकर हमें वर्ब लिखना है. तो वर्ब हो गया कम और उसमें हमने आई एन जी लगाया तो कमिंग. टेंथ है डोंट ईट दिस डैश पपाया. अब ई एन वाली वर्ब लिखनी है हमें वर्ब, तो वर्ब का ई एन फॉर्म लिखना है. तो रूट और रोटन, रोट मतलब खराब और रोटन पपाया, तो ई एन हमने रोट में लगा दिया. नेक्स्ट हमारी सेवन्थ एक्सरसाइज है. सेवन्थ क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय करेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को करेक्ट ऑर्डर में लिख के हमें इसको सेंटेंस को सही लिखना है. फर्स्ट वाला दे रखा आई हैव गिवन माई ब्लैक न्यू वूलन स्पेनिश ब्लेजर टू माई ब्रदर. अब देखिए इसको समझिएगा. मैंने दिया मेरा ब्लैक नया वूलन स्पेनिश ब्लेजर. स्पेनिश ब्लेजर थोड़ी होता है क्या, टू माई ब्रदर. तो ये सही पर सही जमा हुआ नहीं है, इसको हमें सही जमा कर लिखना है. आई हैव गिवन माई न्यू, मैंने मेरी न्यू ब्लैक स्पेनिश वूलन ब्लेजर, जो स्पेनिश वूलन ब्लेजर थी वो मैंने भाई को दी. तो मैंने अपनी नई ब्लैक कलर की स्पेनिश वूलन ब्लेजर थी वो मैंने भाई को दी. अब ये सही सेट हुआ. सेकंड वाला देखिए. शी इज़ मेकिंग अ ब्लैक क्ले टॉल स्टैचू फॉर द एग्जीबिशन. अब उस वह काला क्ले टॉल और स्टैचू, अब ये सही जमा हुआ नहीं है सेंटेंस, तो हम लिखेंगे शी इज़ मेकिंग अ टॉल ब्लैक क्ले स्टैचू फॉर द एग्जीबिशन. वह एक टॉल काला कलर का क्ले स्टैचू एग्जीबिशन के लिए बना रही है. परफेक्ट हुई लाइन. थर्ड वाला है माय फ्रेंड रिसेंटली बॉट अ जर्मन ओल्ड ब्यूटीफुल स्पोर्ट बाइक एट एन ऑक्शन. तो अब यहाँ पर नीलामी में उसने एक जर्मन ओल्ड ब्यूटीफुल स्पोर्ट बाइक उसने वहाँ पर खरीदी रिसेंटली. तो अब यहाँ पर इसको ये लाइन सही जमी हुई नहीं है. माय फ्रेंड रिसेंटली बॉट अ ब्यूटीफुल जर्मन ओल्ड स्पोर्ट्स बाइक एट एन ऑक्शन. अब मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली खरीदी ब्यूटीफुल सुंदर जर्मन की ओल्ड स्पोर्ट बाइक, ठीक है, अब ये सही जमी लाइन. फिर फोर्थ आता है द ड्राइवर फाउंड अ वाइट राउंड परफेक्ट पेयर. अब ड्राइवर को मिला, तो ड्राइवर को फाउंड मिला एक परफेक्ट राउंड. परफेक्ट राउंड हो गया है ना, वाइट राउंड परफेक्ट तो होता नहीं है, तो परफेक्ट राउंड वाइट पेयर. अब फिफ्थ है माय पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ लिटिल ब्यूटीफुल चाइनीज ब्लू रनर एज अ बर्थडे सरप्राइज. अब यहाँ पर पेरेंट ने गिफ्ट किया छोटा सुंदर चाइनीज ब्लू रनर. तो ये सही परफेक्ट जमी हुई नहीं है लाइन सेंटेंस, तो हम लिखेंगे माय पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल सुंदर छोटा लिटिल ब्लू चाइनीज रनर, छोटा ब्लू चाइनीज रनर एज अ बर्थडे सरप्राइज. तो ये हमने इन सेंटेंस को रीराइट किया था, वापस से लिखा था. आज हमने हमारी फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट की है, तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है. आप लोग इसको आपकी बुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखिएगा. थैंक यू.